हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। आज कुछ हटके वीडियो लाई हूँ आपके लिए, लेकिन है ये मिट्टी से ही रिलेटेड। तो जिन फ्रेंड्स को सर्दी में चूल्हा सेकना अच्छा लगता है उन वो इसे ज़रूर देखें, और जिनको नहीं लगता वो स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ लोग चूल्हा, मैं खुद से भी बना लेती हूँ चूल्हा, लेकिन ये मैंने सीमेंट का चूल्हा लिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर चूल्हा आपको बनाने का नहीं, सेकने का शौक़ है लेकिन आप बना नहीं पाते, तो आप सीमेंट का चूल्हा खरीद लें। लेकिन सीमेंट के चूल्हे में भी फ्रेंड्स, आप उसमें अगर ऐसे ही आग जलाएंगे तो वो उसमें दरारें आ जाती हैं, वो एक दो बार आग जलाने से ही फट जाएगा और आपको फिर से नया ख़रीदना होगा। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, सीमेंट का चूल्हा 150 रुपये में ही तकरीबन आ जाएगा आपका, और उसके अंदर आप ऐसे मिट्टी, मैंने चिकनी मिट्टी लाई है, उसमें मैंने गेहूं का भूसा मिलाकर और इसके अंदर 2-2 इंच मोटी मिट्टी की परत लगा दी है। सीमेंट के चूल्हे के अंदर की साइड आप मिट्टी लगा दें, बस 2-2 इंच ही मिट्टी लगाएं, उसी से वो पक्का हो जाएगा। थोड़ी बाहर भी लगा दें, और जो आगे ये इसके सरिया होता है इसके ऊपर भी मोटी सी कर आप लगा दें, और इससे क्या होगा कि आपका चूल्हा काफ़ी देर तक चलेगा और टूटेगा भी नहीं। मेरे पास ये चूल्हा 4-5 साल से है, और ऐसे ही जब इसकी मिट्टी झड़ जाती है तो मैं दोबारा से लगा देती हूँ। आप भी ऐसे ही मिट्टी लगाकर, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, धूप में इसको सुखा ले, 1-2 दिन सूखने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से जलाने के लिए तैयार हो जाएगा। और आप इस पर सेकना, तो हमने तो सिर्फ सेकने के लिए जलाया है, लेकिन मैं साग वगैरह भी इस पर बना लेती हूँ। तो आप इस पर पतीला, अपना जो बर्तन है जो भी, उसको रख कर देख सकते हैं कि साइज़ इसकी जो अंदर गोलाई है बिल्कुल सही हो, जिससे आपको फिर साइड से ज़्यादा धुआं ना निकले, नहीं तो फिर आपका बर्तन काला हो जाएगा, और आपको काला तो होगा, ज़्यादा काला हो जाएगा, फिर आपको साफ़ करने में मुश्किल आएगी। आप पतीले के नीचे मिट्टी भी लगा सकते हैं। 2 दिन बाद फ्रेंड्स, चूल्हा हमारा सूख कर रेडी हो गया था, और हमने इसमें आग भी जला ली, और बहुत बढ़िया लग रहा है आग के सामने बैठना। आपको कैसा लगा मेरा गार्डनिंग के अलावा ये भी शौक़ है, कैसा लगा बताना।